स्वागत है दोस्तों। ये है हमारा लोकल प्लांट यानी कि पिपली फाइकस वेरिनस। पत्ते भी बड़े बड़े हैं और मैंने उसको हार्वेस्टिंग किया था अगस्त में, रक्षाबंधन के दिन या उसके एक दिन पहले होगा शायद। तो उस दिन मैंने उसको हार्वेस्टिंग करके लगाया है और बाद में मैंने उसको केवल मैंने प्लास्टिक में लगा के रखा था हमारे यूनिक मेथड से। और कुछ दिनों पहले यानी दिसंबर में मैंने उसको इसमें ट्रांसफ़र किया था, इस पॉट में। तो अच्छा ग्रोथ मिला है, ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है और दो रूट्स बाहर भी निकल आई थी, यानी ग्रोथ अच्छा है। तो इस तरह का रिसेंटली हार्वेस्टेड मटेरियल्स के साथ क्या किया जाए कि हमारे डिज़ायर ब्रांच हम निकल पाए यहाँ से, क्योंकि अगर कटिंग है तो उसमें रूट ये ब्रांच डेवलप होगी और उसमें हमें तो प्रोग्रेसिव टेपर चाहिए। ये बड़ी हो गई है, ये तो छोटी छोटी, अगर ये लोअर ब्रांच बनती है तो ये थोड़ी टेपर में ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए पहले तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि पत्ते मैच्योर हो रहे हैं, थोड़े दिन में ही डिफोलिएट या अपने आप गिर जाएंगे ये। तो क्या अगर इस तरह का कटिंग लगाते हैं हम, तो यहाँ दो तीन ब्रांच एक साथ निकलती है तो हमें वो सब निकाल देनी होती है। पांच पांच भी कभी कभी तो निकलती है, जिसमें जो हमें हेल्दी लगे वो हमें निकालनी होती है। मगर यहाँ हमें चाहिए बैलेंस ग्रोथ, वो बैलेंस में नहीं है यहाँ ग्रोथ। ऊपर की जो ब्रांच है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रही है, तो क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ उसे हम एज अ सेक्रीफाइस ब्रांच यानी कुछ नहीं करेंगे, और ये टॉप वाली ब्रांच है ये तीन, उसमें से थोड़ी ट्रिम कर देते हैं। पहले मैं डिफोलिएट करता हूँ, बाद में कुछ वायरिंग करके बेंडिंग करता हूँ और बाद में उसको ट्रिम कर देते हैं हम, जिससे क्या होगा ये ब्रांच में थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन आएगा लोअर ब्रांच में और ये थिकन होने शुरू हो जानी चाहिए। उसने अभी भी ग्रोथ पकड़ लिया है टॉप ब्रांच ने, देखिए यहाँ नया स्वेलिंग है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वायरिंग करके यहाँ थोड़ी ट्विस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ और बाद में उसको ट्रिमिंग कर देंगे। यही आज का लेसन था कि उसको वाइगरली ग्रो करना है जिससे ये थोड़ा थिकन हो जाए। चलिए वायरिंग हो गया, अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग देते हुए हम ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्टिंग करते करते थोड़ा बेंडिंग कीजिए, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आएगा हमारे प्लांट में। अब प्रोग्रेसिवली ब्रांच नीचे जाती है या तो अकॉर्डिंग टू हमारे बॉन्साई प्लांट की डिज़ाइन। और इस तरह घुमाते हैं तो बाद में पत्तों की फेस ऊपर की ओर हो जाए तो अच्छा है, तो ऊपर ही देखना चाहिए प्लांट। चलिए यहाँ से ट्रिमिंग कर देते हैं, यहाँ एक पत्ता है यानी कि ये ब्रांच ट्रिम हो गई। अब यहाँ थोड़ा रुकेगा प्लांट और उसको वाइगर करेगा। यहाँ जब छोटी छोटी ब्रांचें आएगी तब तक ये थोड़ा बढ़ना चाहिए और इस मेन ट्रंक को हम थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्लांट आया है पीछे तो हमें उसको ले जाना है आगे। और यहाँ अभी काम करने का मुझे ज़्यादा मतलब नहीं नज़र आता, क्योंकि ये यहाँ से कटा है तो यहाँ तक ये डाइबैक हुआ, यानी 10 mm तो 5 mm का तो ये डाइबैक कर ही लेता है। तो देखेंगे अच्छे से ग्रोथ में आने के बाद हम उसको करते हैं कुछ कार्विंग जैसा या कुछ मटेरियल रिमूव करेंगे। ये इतना बड़ा तो है नहीं कि कार्विंग करना पड़े। थोड़ा आगे की ओर झुकाया है मैंने और उसको मुझे निकालना है, जिससे यहाँ थोड़ा ग्रोथ रुकेगा अभी के लिए और यहाँ ग्रोथ होना चाहिए मुझे। और उसको भी मैं डिफोलिएट कर रहा हूँ और उसका खुराक बनाने के, चलिए एक ट्राई करते हैं उसको खुराक भी बनता रहे। और यहाँ हमने एक पत्ता भी रखा है फोटोसिंथेसिस के लिए,
चलिए उसको मैंने प्लेस कर दिया है, बाद में ये बदल भी सकते हैं हम। तो आज के लिए यही जानना था हमें कि इस तरह का हमने कटिंग लगा के रखा है तो लोअर ब्रांच में अगर ग्रोथ नहीं मिलेगा तो बैलेंस कैसे करेंगे प्लांट को। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, कुछ ऊपरी मिट्टी हटा लेता हूँ और कुछ नई डाल देता हूँ जिससे कुछ नया मटेरियल या नया न्यूट्रिशन मिले प्लांट को। तो इस तरह से एक तरह से गुड़ाई हो जाएगी प्लांट की। यहाँ मुझे रोक रखना पड़ा है क्योंकि एक मैंने कटिंग लगाया हुआ था, मैं कहीं बाहर गया था तो डॉग्स ने अटैक कर दिया था, ये तोड़ फोड़ के रख दिया था। प्लांट भी बहुत ही अच्छा था, सर्वाइव हुआ था, मगर उसको भी डैमेज कर दिया, बाद में वो नहीं हो सका। चलिए थोड़ी सी नई मिट्टी ले लेते हैं। तो जिस प्लांट को हमें रिपोर्ट नहीं करेंगे इस साल, जिस प्लांट का, उसमें थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी रखेंगे तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है हमें, कुछ नया मैनर मिलेगा, कुछ नया न्यूट्रिशन आएगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और हमारे साथ बने रहे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। And thank you for watching.